एक आई एम अ बोट हेड का स्टिकर मिल जाएगा, छाती पे चिपका लीजिए, साथ ही में एक आई एम अ बोट हेड का स्टिकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली बोट ब्रांड ने कुछ नया इंप्लीमेंट किया है नेकबैंड के थ्रू। यहाँ पर हमारे पास है बोट रॉकर्स एपेक्स वायरलेस नेकबैंड। इसका प्राइसिंग है 1300 रुपीज के आसपास। मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको परचेज किया हुआ है। और यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंटेशन दी गई है टच सेंसर्स को लेकर, जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं स्लाइड करके, ट्रैक्स चेंज कर सकते हैं टच सेंसर्स के थ्रू। कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें आपको इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है यहाँ पे स्पेशल बायोनिक साउंड पावर्ड बाय डायरेक्ट वर्चुओ। मुंह बोलते बोलते ही टेढ़ा हो गया उसको बोलते हुए। कैसे एक्जैक्टली वर्क करता है, इसका आउटपुट कैसा है, इसके थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कंफर्ट कैसा है, म्यूजिक बेस कॉलिंग गेमिंग सब टेस्ट करेंगे, ताकि अगर आप सोच रहे हैं 1500 रुपीज के अंडर एक नेकबैंड कंसिडर करने का, इसको आपको ग्रैब करना चाहिए कि नहीं, वो आप डिसाइड कर पाएंगे वीडियो के एंटर पॉज से पॉज से। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट हम लोग करते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। तो इस तरीके का यहाँ पे आपको बिल्कुल डिसेंट पैकेज मिल जाएगा बोट रॉकर्स एपेक्स का, एंड बैक साइड में काफी स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं, हम आगे सब डिटेलिंग में चेक करने वाले हैं इसकी। और यहाँ पर हमारे पास एक बिल्कुल सेक्सी सा कटर, हमने इसको मंगाया हुआ है, इससे हम करते हैं इसकी चीरफाड़ फटाफट। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको यहाँ पे बढ़िया मिल जाएगी, एक एक चीज प्रॉपर तरीके से पैक्ड है बॉक्स के अंदर। सबसे पहले आपको मिलने वाला है कुछ पेपर वर्क, हमेशा की तरह आपको वारंटी कार्ड मिल जाएगा, यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एक आई एम अ बोट हेड का स्टिकर मिल जाएगा, छाती पे चिपका लीजिए, मजाक कर रहा हूं। और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे ईयर टिप्स मिलने वाले हैं, अपने कानों के साइज के हिसाब से मल्टीपल ईयर टिप्स दिए गए, यूटिलाइज कर सकते हैं कैसे आपके कानों का फिट है। एक टाइप सी की चार्जिंग केबल मिल जाएगी टू चार्ज योर नेक बैंड। मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द नेक बैंड यू विल बी गेटिंग। और आप देख सकते हैं पूरी जो बॉडी दी गई है, जो मटेरियल यूज किया गया प्रॉपर, आपको यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल यूज किया, इसको फ्लेक्सिबल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा आपको यहाँ पे टेक्सचर मटेरियल यूज किया गया है, लुक एंड फील सही प्रोवाइड कर रहा है। एंड लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे सिंपली बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ऐसे कोई यहाँ पे बटन प्रोवाइड नहीं किया गया है। बिल्ड क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है। एंड दूसरे साइड आपको मिलने वाला है यहाँ पे एक मल्टी फंक्शन बटन बोट ब्रांडिंग के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लस माइनस का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, मतलब एक्जैक्टली नहीं, टच कंट्रोल से आप टच एक्सेस कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, स्लाइड करके वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। और साइड में एक प्रॉपर कवरिंग के साथ आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ से अपने नेकबैंड को आप चार्ज कर सकते हैं। एंड वायर्स आपको पतली सी मिल जाएगी, बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया यहाँ पे। एंड बर्ड्स आपको मिलने वाले यहाँ पे प्लास्टिक के बिल्ड के, मेरे हिसाब से यहाँ पे मेटेलिक फिनिश देना चाहिए था बर्ड्स को लेके, लेकिन काफी लाइटवेट बर्ड्स हैं। एंड इसमें आपको दोनों में ही बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और इसमें आपको सिंपली पावरफुल मैग्नेट्स यूज किए गए, ऐसे कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर नहीं दिया गया, मेरे हिसाब से यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन देनी चाहिए थी, अब बोट को ले आना चाहिए मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर। यहाँ पर आपको सिंपली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स मिल जाएंगे, ताकि इसको आप सिक्योरली अपने नेक पे लटका के घूम सकें। और ऐसे कोई ईयरफोन्स तो नहीं है, मेरे हिसाब से ईयरफोन्स देने चाहिए थे, लेकिन इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से नेक पे प्लेस करेंगे, प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे अपने कानों के साइज के हिसाब से, बहुत ही लाइटवेट नेकबैंड है। 75-80% आप बोल सकते हैं बाहर की नॉइज भी कैंसिल कर रहे हैं नेकबैंड लगाते से ही। और डेफिनेटली इसको आप लॉन्ग आवर्स के लिए यूज कर सकते हैं, अगर आप एक्टिविटीज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, मैंने काफी कोशिश की हुई कानों से नहीं करते हैं, बढ़िया आपको सिक्योर फिट मिल जाएगा। और यहां पर हम एक नजर डालते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस पार्ट को लेकर। तो इसमें आपको मिलेगा लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर, 12mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, स्पेशल बायोनिक साउंड पावर्ड बाय डायरेक्ट वर्चुओ का सपोर्ट मिल जाएगा, ENX टेक्नोलॉजी फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस, डेडिकेटेड बीस्ट मोड मिल जाएगा फॉर परफेक्ट गेमिंग एक्सपीरियंस, टच सेंसर्स के साथ ही आता है। और इसमें आपको अप्रॉक्सिमेटली 30 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, अगर आप म्यूजिक को 50-60% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट चार्ज करेंगे आपको नियरली 10 आवर्स का प्ले टाइम मिल सकता है विद दिस नेक बैंड। फीचर्स आपको इंप्रेसिव मिलने वाले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें आपको जो मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर है वो देना चाहिए था। और इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन भी नहीं दिया गया, एक टाइम पे आप 8G डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी मुझे लगा थोड़ा बहुत ड्रॉबैक, इसमें डुअल डिवाइस पेयरिंग देनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। और यहां पर अगर हम बात करेंगे इसके जो टच सेंसर्स दिए गए, जो बटन कंट्रोल दिए गए, वो कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं। जो मेन बटन दिया गया है उसको अगर आप यहाँ पे सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल प्रेस कर देंगे उसी बटन को म्यूजिक पॉज होगा। और जो टच का एरिया दिया गया है, जो प्लस का बटन है, उसको अगर आप डबल टैप करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट ट्रैक पर ले जाएगा, माइनस वाले बटन को अगर आप डबल टैप करेंगे, प्रेस नहीं करना है सिंपली टैप करेंगे, तो ये प्रीवियस ट्रैक पर ले जाएगा। और जो स्लाइड का ऑप्शन दिया गया, आप स्लाइड डाउन करते आएंगे, ऐसे स्लाइड डाउन करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी, स्लाइड अप करते आएंगे ऐसे तो वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी। काफी स्मूथ तरीके से वर्क करता है इसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और प्लेसमेंट भी बिल्कुल सही दिया गया है राइट साइड पे, आप अगर यूज भी कर रहे हैं तो एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके टच सेंसर्स को लेकर और बटन को लेकर। और जो मेन बटन दिया गया उसी को अगर आप डबल प्रेस करेंगे, दो बार प्रेस करेंगे, जो फीचर दिया गया है स्पेशल बायोनिक साउंड का, उसमें ये मोड में स्विच कर जाएगा, फिर से डबल प्रेस करेंगे तो एग्जिट कर जाएगा उस मोड से नॉर्मल।
नॉर्मल मोड में आ जाएगा। और इसी बटन को अगर आप ट्रिपल प्रेस करेंगे, तीन बार प्रेस करेंगे, वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, उस हिसाब से आप कमांड्स दे सकते हैं। और उसी बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड्स के लिए, तो ये बीस्ट मोड में एंटर कर जाएगा, गेमिंग मोड में। और अब हम करते हैं गेमिंग टेस्ट। इसमें आपको कंपनी ने क्लेम किया 40 मिलीसेकंड के आसपास लो लेटेंसी, वो जस्टिफाई करती है कि नहीं, वो हम चेक करते हैं। गेमिंग टेस्ट देख के आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि इससे आपको लेटेंसी कितने मिलने वाली है। ब्रांड ने क्लेम की है 40 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी, मुझे लगा अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी लग रही थी। इन ऑडियो एक्सपीरियंस आपको सही मिल जाएगा। लाउड लेफ्ट का सेपरेशन भी आप क्लियरली पता कर पाएंगे एनिमीज कहां से आ रही है। आप इसको डेफिनेटली बढ़िया गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। गेमिंग पार्ट को लेकर मुझे पर्टिकुलरली ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी, बढ़िया आपको गेमिंग मिल जाएगी इसके थ्रू। बात करेंगे अब साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको मिलने वाला है 12 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC और AAC कोडेक का सपोर्ट मिल जाएगा। और यार इसमें ना लाउडनेस आपको बहुत ज्यादा दी गई है। फुल वॉल्यूम पे मैं साफ साफ बोलूंगा, मुझे जो क्लैरिटी है हल्की फुल्की डगमगाई लगी, थोड़ी बहुत मुझे ब्लरनेस लग रही थी। फुल वॉल्यूम पे ऐसा लग रहा था हल्की फुल्की डिस्टॉर्शन कहीं ना कहीं वोकल्स को लेकर लग रही थी। 80% वॉल्यूम तक आप सुनेंगे तो आपको अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लाउडनेस भी बढ़िया मिल जाएगी, वोकल्स पे क्लैरिटी भी सही मिलेगी, ट्रेबल्स भी प्रॉपर मिलने वाले हैं। लेकिन इसमें जो बेस है, बेस से मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट लगा। मतलब आपको बोल सकते हैं आपको डिसेंट बेस मिलेगा, अगर आप प्योरली बेस लवर हैं तो इसमें आपको ज्यादा खास मजा नहीं आने वाला है बेस पार्ट को लेकर। मुझे बेस इसमें डिसेंट लगा, प्रॉपर आपको सॉफ्ट सॉफ्ट बेस लग सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड का सिग्नेचर म्यूजिक के बेस पार्ट को लेके इसमें मेरे को यहाँ पे डिसेंट लगा। हाँ, मिलेंगे आपको बेस इफेक्ट्स, ऐसा नहीं कि बेस इफेक्ट्स नहीं मिलने वाले, लेकिन आपको एक्स्ट्रा बेस इफेक्ट्स देने चाहिए अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। और जिस पे स्पेशल बायोनिक साउंड का ऑप्शन दिया गया, जैसे उस माउंट में आप स्विच करेंगे, आपको हल्की फुल्की लगेगा जो डिटेलिंग है वोकल्स को लेकर, हल्की सी क्लैरिटी में हल्का फुल्का एनहांसमेंट लगेगा, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं लगा नॉर्मल मोड में। जो स्पेशल मोड दिया गया है हल्का फुल्का आपको लगेगा, हाँ जो क्लैरिटी है थोड़ी बहुत ठीक लगेगी, लेकिन बोलते ना कि यार बेस पार्ट को लेकर मेरे को यहाँ पे डिसेंट लगा, बहुत ज्यादा पावरफुल बूस्टेड बेस दोनों ही मोड्स में नहीं लगा। तो मेनली आपको क्लैरिटी से मतलब है, वोकल्स के और ट्रेबल्स आपको प्रॉपर चाहिए, डिटेलिंग आपको अच्छी चाहिए, उस पर्पज के इसको आप ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल प्योरली बेस हेड है तो दूसरा कोई नेकबैंड दे सकते हैं, इसमें आपको डिसेंट बेस मिलने वाला है। बात करते हैं कॉलिंग की, इसमें आपको ENX टेक्नोलॉजी यूज की गई है। अब टाइम आ गया अपनी बीवी को परेशान करने का, दीक्षा को कॉल करते हैं, उससे पूछते हैं इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा है। हेलो। हाँ दीक्षा, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस थोड़ा घर की सेटिंग कर रही थी। अच्छा अच्छा, अरे अभी मेरे पास ना बोट रॉकर्स एपेक्स करके एक नेकबैंड है बोट ब्रांड की तरफ से, मैं अभी उनसे ला के तुमसे बात कर रहा हूँ आउटर कंडीशन में। तो मेरी आवाज तुम्हें कैसी आ रही है? आवाज तो काफी क्लियर आ रही है। अच्छा, वोकल्स मतलब काफी क्लियर है, लाउडनेस भी अच्छी है। बाकी बैकग्राउंड एक्टिविटीज पता चल रही है यहाँ पे? नहीं, बैकग्राउंड की एक्टिविटी मतलब नहीं पता चल रही, काफी कैंसिल हो रही है, लेकिन थोड़ी सी विंड नॉइज आ रही है। अच्छा अच्छा, तो मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस बोल सकते हो वैसे? अगर विंड नॉइज को मैटर नहीं कर रही है तो फिर 90% तुम्हारी आवाज फोकस है। अच्छा, लेकिन विंड नॉइज तुम्हें आ रही है, बैकग्राउंड एक्टिविटीज कैंसिल हो रही है। हां। अच्छा अच्छा, ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके बाय। कॉलिंग इसमें आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है, वोकल से बिल्कुल फोकस रहेगा, लाउडनेस बढ़िया दी गई है, बैकग्राउंड एक्टिविटीज काफी हद तक कैंसिल कर रहा है। बस मेरी वाइफ बोली थी कि विंड नॉइस उसको थोड़ी बहुत आ रही थी, विंड नॉइस कैच कर लेता है। मेनली अगर आप ड्राइविंग करते टाइम इसको यूज करेंगे आपको दिक्कत फेस होगी, ट्रैफिक में है कोई दिक्कत फेस नहीं होगी, बैकग्राउंड एक्टिविटीज काफी हद तक कैंसिल कर देगा, बस विंड नॉइस को लेकर आपको दिक्कत हो सकती है इस नेकबैंड के थ्रू, लेकिन कॉलिंग आपको काफी बढ़िया मिलने वाली है इसके थ्रू। अब हम करेंगे रेटिंग्स फाइनली, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी एंड गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। सो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8 out of 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 7.5 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 8.5 out of 10, और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9 out of 10। दीज आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेकबैंड, अप्रॉक्सीमेटली 1300 rupees इसका प्राइस पॉइंट है। और देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी हद तक कुछ कुछ एरिया में जस्टिफाई करता है, लेकिन कुछ कुछ एरिया में जस्टिफाई नहीं भी करता है मेरे हिसाब से। जो टच सेंसर्स का ऑप्शन दिया गया वो सही तरीके से वर्क करता है, एक नया इंप्लीमेंटेशन है, बस यहाँ पे मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर देना चाहिए था, डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन देना चाहिए था, बेस में बेटरमेंट होनी चाहिए थी। बाकी आपको वोकल्स अच्छे मिल जाएंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी वोकल्स को लेकर, प्रॉपर ट्रेवल्स मिलने वाले हैं, कॉलिंग बढ़िया मिल जाएगी, बढ़िया गेमिंग मिल जाएगी। सारे के सारे मैंने प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, अब आप पे डिसीजन मैटर करता है इसको परचेस करना चाहिए कि नहीं। आपको कभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सारे के सारे लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट करके इसको ग्रैब कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट पसंद आया आपका तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बोट रॉकर्स एपेक्स वायरलेस नेक बैंड। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।